उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर के महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समिट होने से पूर्व ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के MOU साइन कर लिए हैं, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी, उन्हें आज जवाब मिला है और CM धामी सीमित साधनों के बावजूद भी राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी को मैं बधाइयां देता हूं। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक हुए करारों का आंकड़ा तकरीबन 1,24,000 के पार पहुँच चुका है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने काम किया और 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के MOU साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं,